जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बीजेपी का सत्ता साफ हो गया कि किसी भी हाल में महागठबंधन की सरकार को 2024 में हराना है, कि अब चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मुकेश सहनी, अब चौथे नंबर पर बीजेपी किसको अपना बनाने वाली, भाजपा की अगली नजर किस पर, जहां एक तरफ चिराग पासवान को जेल सिक्योरिटी मिल गई है, जहां चिराग पासवान भाजपा के हो गए, तो भाई उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, तो अब मुकेश सहनी को भी भाजपा दरअसल वाई सिक्योरिटी देती है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि चौथे आदमी ऐसे कौन है जिसे भाजपा अपने नजर में देख रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव होने से पहले ही बीजेपी हर एक क्यास में जुड़ी हुई है ताकि बिहार की राजनीति को अपने हाथ ले सके। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बीजेपी का सत्ता साफ हो गया, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बना ली, जहां तेजस्वी यादव सरकार में आ गए, जहां चाचा भतीजे की सरकार बन गई, उसके बाद लगातार बीजेपी हर एक प्रयास में जुटी हुई है कि किसी भी हाल में महागठबंधन की सरकार को 2024 में हराना है और बिहार की सत्ता में उसे वापस लाना है। तो क्या कुछ बीजेपी आने वाले दिनों में करने वाली है, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी नज़र इस पर है कि अब चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मुकेश सहनी, अब चौथे नंबर पर बीजेपी किसको अपना बनाने वाला। बिहार में राजनीतिक उलटफेर लगातार जारी है। जेडीयू और भाजपा के अलग अलग राह पर चलने के बाद पिछले दिनों सियासत में घमासान की स्थिति बन रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत करते हुए पार्टी छोड़ दी और नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के अलग कदम देख भाजपा ने भी गोलबंदी तेज कर दी है। अभी बीजेपी उन सभी सियासी दलों से नजदीक रिश्ते बनाने में जुट गई है जो फिलहाल महागठबंधन से दूर है और कभी एनडीए के साथ रहते। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जेडीयू से पूरी तरह नाता तोड़ा, अलग पार्टी के गठन का ऐलान किया, तो भाजपा ने बगैर देरी किए उनसे मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने तक पहुंच गए। इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत को भले ही बीजेपी शिष्टाचार मुलाकात कर बता रही हो, लेकिन सियासत में टाइमिंग का ऐसा पहलू है जिसका महत्व हर कोई बेहतर समझता है, इसीलिए इस मुलाकात के भी मतलब लगाने लगे हैं। इधर बिहार की राजनीति में जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने मुकेश सहनी को सुरक्षा के लिहाज से Y+ श्रेणी देने का फैसला लिया है। मुकेश सहनी की जान के खतरे की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। राजनीति के जानकार केंद्र के इस फैसले को अपने नजरिए से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाजपा उन चेहरों और पार्टियों को जोड़ने की तैयारी कर सकती है जिनके साथ मिलकर वो अगले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बेहद गंभीर दिख रही है। संभव है कि तमाम पुरानी कड़वाहटों को भूलकर पार्टी ऐसे सभी लोगों को एकजुट कर मैदान में उतारेगी जो कभी उनके साथ रह रहे थे। माना जा रहा है कि चिराग पासवान को भी करीबी करीबी बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग की पार्टी की एनडीए से दूरी केवल एक औपचारिक ऐलान तक है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की घटक दलों पर पैनी नजर रखने वाले बीजेपी आगे क्या करती है, लेकिन फिलहाल ये सवाल तेजी से उभरने लगा है कि पहले कुशवाहा मुकेश सहनी के बाद कौन, क्या अगला नंबर जीतन राम मांझी का होगा। दरअसल इन दिनों जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की तरह ही गरीब संपर्क यात्रा शुरू की है। इस दौरान उन्होंने कई बार इशारों में अपने बेटे संतोष मांझी को तेजस्वी से अधिक पढ़ा लिखा बताकर सीएम बनाने की मांग कर दी है। अंदर खाने की खबर है, मांझी भी महागठबंधन के अगले बागी हो सकते हैं। ऐसे में सियासत के जानकार कहते हैं कि हो ना हो भाजपा रणनीतिकारों में की नजर में मांझी पर भी अब टिकी है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के बाद अब क्या भाजपा की चौथी नजर जीतन राम मांझी पे है। दरअसल जिस तरीके से जीतन राम मांझी कई बार ये कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे तो उनके बेटे हैं और सीएम उनके बेटे भी बन सकते हैं, इसको लेकर अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भाजपा की अब चौथी नज़र किस पर है,
2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और भाजपा हर हाल में बिहार की सत्ता को वापस पाना चाहती है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।